स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। बैकवाटर के जंगल में बोट से पहुंचकर की गई कार्रवाई। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में अवैध शराब और मांस मदिरा बिक्री को लेकर सख्ती दिखाते हुए पुलिस अधीक्षकों ने टीम में स्वयं निरीक्षक ओ अनूप सिंह सिंधिया, उप निरीक्षक रामदास यादव, सहायक उप निरीक्षक मनोज खोड़े ने कार्रवाई करते हुए बोट की मदद से करीबन 10 अवैध कच्ची शराब बनाने के स्थान को चिन्हित कर करीबन 200 छोटे बड़े प्लास्टिक और लोहे के ड्रम में महुआ लहान करीबन 12,700 लीटर कीमती करीबन 2,00,000 रुपए की शराब नष्ट की गई। मान जी आज मोटक्का पुलिस चौकी को शराब में बहुत भारी सफलता मिली है। कितनी शराब जब्त की पुलिस मिस्टर जाने? ये सैलानी जो घाटेस के इधर जो बैकवाटर के गांव में बंजारी और सात माता लोग यहाँ पे लगातार ये शिकायतें आती रहती है, क्योंकि दुर्गम स्थान है। तो आज थाना प्रभारी मानदाता अनूप सिंह सिंधिया अपनी पूरी टीम को लेकर गए, क्योंकि वहाँ से बगैर नाव के जाना संभव नहीं है। नाव से गए थे और क्योंकि नाव देख के लोग भाग जाते हैं। तो वहाँ लगभग 10,000 लीटर के करीब लहान को नष्ट किया गया है। 10 से 12 भट्टियाँ थी जिनको भट्टियों को नष्ट किया, और लगभग 100 के आसपास जो ड्रम वगैरह जो पानी में रखते हैं उन ड्रमों को भी नष्ट किया है। और ये इस तरह की कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे ताकि कोई भी ऐसे अवैध व्यापार पर मुहिम लगाएं। जब से अधिक से अधिक इस पर कार्रवाई करें। सर जी, किसी आरोपियों की गिरफ्तारी? ये चूँकि नाव देखते ही भाग जाते हैं और बहुत ही दुर्गम इलाका है आप, और ऐसे में वहाँ पे जाना संभव नहीं रहता। और नाव देख के, क्योंकि जनरली नाव अगर आ रही है तो इसका मतलब सोचते हैं कि बाहर की नाव है, तो और नाव को देखते ही लोग भाग जाते हैं। लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि उनको चिन्हित करा जाए और किसी भी तरह उनको पकड़ेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।